अगर हम बात करें अर्जुन रेड्डी की, तो उसमें एक्टिंग किसकी अच्छी लगी थी आपको? ऑफकोर्स विजय देवरकोंडा। अर्जुन रेड्डी का जो रोल है, प्ले है, कबीर सिंह से ज़्यादा बेटर लगा था मुझे। मैं उनका पहले से फैन हूँ, विजय देवरकोंडा का, वो उनकी सब मूवी देखता हूँ, गीता गोविंद, देयर कॉमरेड, वर्ल्ड फेमस लवर। तो मुझे अर्जुन रेड्डी थोड़ा अप लगा कबीर सिंह से। विजय देवरकोंडा मेरा फेवरेट है। तो गाइस, अर्जुन रेड्डी को हो चुके हैं टोटल 7 साल पूरे, और मेरी तो ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने ऑडियंस से पूछे कि उनका क्या कहना है अर्जुन रेड्डी के ऊपर। चलिए बात करते हैं उनसे। तो भाई, अर्जुन रेड्डी को टोटल 7 साल पूरे हो चुके हैं, तो आपने वो फिल्म देखा है? हाँ देखा है। हाँ देखा तो है। हाँ देखा है ना भाई? यस ब्रो। कैसी लगी थी आपको फिल्म? बहुत अच्छी थी फिल्म, बहुत यूनिक था, और जो यंगस्टर को चाहिए था तो उसमें बहुत सारा था उसमें मटेरियल्स। रावस मूवी है, क्या बोल ही नहीं सकता, इतना उसने एक्शन किया है और वो स्टोरी देख सकते तो आप, लाजवाब मूवी है वो, मुझे तो बहुत अच्छे लगे। अर्जुन रेड्डी का जो रोल है, प्ले है, कबीर सिंह से ज़्यादा बेटर लगा था लोगों को, कबीर सिंह से ज़्यादा ही बेटर था वो। अगर हम बात करें अर्जुन रेड्डी की, तो उसमें एक्टिंग किसकी अच्छी लगी थी आपको? ऑफकोर्स विजय देवरकोंडा फेवरेट। बहुत ही नेचुरल एक्टिंग था, और ऐसा फील आ रहा था कि हाँ सब रियलिटी में है, सब मतलब रियलिज्म थोड़ा सा मुझे उसमें नज़र आया। मैं उनका पहले से फैन हूँ, विजय देवरकोंडा का, वो उनकी सब मूवी देखता हूँ, गीता गोविंद, देयर कॉमरेड, वर्ल्ड फेमस लवर। विजय देवरकोंडा इज अ न्यू फेमस सेलिब्रिटी राइट नाउ, एंड ही इज लाइक नो वन इन साउथ साइड राइट नाउ, टाइप ऑफ यू कैन टेक अल्लू अर्जुन ऑल्सो। लेकिन देवरकोंडा पे जो सीन, अल्लू अर्जुन आपने बोला अभी, अल्लू अर्जुन और विजय देवरकोंडा की अगर बात करें तो कौन सा ज़्यादा पसंद है आपको? वैसे तो दोनों ज़्यादा पसंद है ब्रो, बिकॉज रिसेंटली अभी मैं प्रभास को देखना चाहता हूँ नेक्स्ट, बट उस मूवी के लिए देवरकोंडा ही सही था। अर्जुन रेड्डी का एक रीमेक बना था कबीर सिंह, तो आपने वो देखा है? देखा है, पूरा नहीं देखा, थोड़ा बहुत देखा। अगर चूज करना रहा अर्जुन रेड्डी और कबीर सिंह में, तो किसे चूज करोगे आप? अर्जुन रेड्डी। वैसा क्योंकि वही तो मैंने उसके बाद वो कॉपी किया है ना पिक्चर, तो वो तो बता नहीं सकते। सी अभी ये बॉलीवुड और टॉलीवुड दोनों भी डिफरेंस है, बट एज एन एक्टर देखूँ तो मुझे अर्जुन रेड्डी थोड़ा अप लगा कबीर सिंह से, क्योंकि उसमें थोड़ा सा जो एक्टिंग का मेथड थे वो सब मुझे काफ़ी अंदर से ऐसा फील हुआ कि हाँ ये सब रियलिज्म है, तो अर्जुन रेड्डी के साथ जाना चाहूँगा। कबीर सिंह वो भी अच्छे यार, उसमें भी है ना कौन शाहिद कपूर और वो आयरा प्रीति, कौन वो आयरा ही नाम है ना उसका। हाँ, मगर विजय देवरकोंडा की एक्टिंग कैसी लगी थी आपको पूरे इस मूवी में? आपको लगा कि शाहिद कपूर वो एक्टिंग के लेवल को मेंटेन कर पाए थे? इतना तो पता नहीं क्योंकि देखा नहीं था पिक्चर, पर रील्स वगैरह देखा है तो ठीक ठाक लगा, पर विजय देवरकोंडा का तो फेवरेट एक्टर है तो अच्छा ही लगा था। इट्स ऑल्सो गुड ब्रो, वो भी बहुत सही था और उसमें इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं था। दोनों को कंपेयर किया जाए तो कौन सी फिल्म चूज़ करोगे आप, अर्जुन रेड्डी की कबीर सिंह? अर्जुन रेड्डी। तो अगर हम बात करें कबीर सिंह और अर्जुन रेड्डी की, तो दोनों में से अगर एक फिल्म चूज़ करना है तो कौन सी फिल्म चूज़ करेगा? यार तो मैं तो दोनों में चूज़ करूँगा यार, दोनों मेरे को अच्छे लगते हैं। एक अगर चूज़ करना रहा तो एक तो चूज़ करना पड़ यार, तो मैं दोनों ही करूँगा यार। अच्छा, तो शाहिद कपूर और विजय देवरकोंडा में कौन चूज़ करेगा? विजय देवरकोंडा मेरा फेवरेट है, तो यार साउथ का मेरे को अच्छा लगता है। तो गाइस, जैसे कि आपने देखा कि लोगों को इतने सालों बाद भी अर्जुन रेड्डी काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है, सो होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।